नमस्कार, धर्म और ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। अगर मनुष्य परमात्मा के बताए हुए सतमार्ग पर चले तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है और हर दुखों का हरण भी वह स्वयं कर सकता है, क्योंकि आपके कर्म ही आपके दुखों का कारण होते हैं। आइए जानते हैं हमारे खास कार्यक्रम धर्म और ज्ञान में पंडित जगेंद्र प्रसाद कुकरेती जी से। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है और आज हम आपके सामने दोबारा से एक कार्यक्रम लेकर आए हैं धर्म और ज्ञान। हमारे साथ हैं पंडित जी। पंडित जी, सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जगेंद्र प्रसाद कुकरेती है और यहाँ पर रुड़की शहर के पास में एक भंगेड़ी महतपुर ग्राम है। यहाँ एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है जो लगभग 100 साल से ज़्यादा होगा। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ बड़ा रमणीक स्थान है। हमारे यहाँ पर पूर्वज लगभग 80 साल पहले आए थे और इस मंदिर में हमारी पांचवी पीढ़ी जो है जा रही है। मेरे यहाँ पर पहले बहुत जंगल था, लेकिन अब प्रभु की कृपा से काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है और मैं यहाँ पर एक पुजारी के रूप में हूँ। आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं? मुख्य पुजारी, और तो यहाँ कोई पुजारी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा पुजारी नहीं हूँ जो वेतन लेकर के जो है ना तुम्हारा भगवान की पूजा करते होंगे। श्रद्धा के साथ, एक श्रद्धा के साथ में हमारी इनके साथ में आस्था जुड़ी हुई है। चूंकि मेरी यहाँ पांच पीढ़ी हो गई है तो इसलिए मेरे जैन के साथ में एक आस्था जुड़ी हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है, क्योंकि उस समय में जो यहाँ की परिस्थितियाँ थी। अच्छा, ये दुर्गा जी का मंदिर है या शिव जी का मंदिर है? शिव जी का मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है ये। तो जो पहले यहाँ की परिस्थितियाँ थी उस परिस्थिति से आज अलग हट करके काफी कुछ अच्छा हो गया। तो उस समय में जो हम लोगों ने कष्ट उठाया, जो हमने यहाँ पर जैसे भी रहे, लेकिन मेरी आस्था इसलिए भी है कि भगवान ने हमें उन सब कष्टों से हमारा निकाला और हम सम्मान पूर्वक अपने जीवन को यहाँ व्यतीत कर सके, इसलिए मेरी इनके साथ आस्था जुड़ी हुई है। चलिए कार्यक्रम को आगे शुरू करते हैं। पंडित जी, आज हमारा विषय है राहु और शनि की दशा। जिस राशि में होती है तो उन राशियों से शनि और राहु की दशा से कैसे बचा जाए? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ग्रह हमारे कर्मों का ही फल होता है। जैसे मैंने एक श्लोक में पढ़ा कि होरेत्य होरार्थ विकल्प मेति वांछिन्त पूर्वा परवरण लोपात कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि यत्तस्य पंक्ति समविद्ध नियुक्ति। अर्थात हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का कृत्य ही इस जन्म में हमें ग्रहों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी प्रकार से उसको फल मिलता है। जी, तो जैसे राहु ग्रह की बात हम कर रहे हैं, राहु ग्रह जब किसी राशि में आ जाता है, उसकी छाया किसी राशि में पड़ जाती है, तो मनुष्य कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है और अपनी राह से भटक जाता है, तो कैसे बचा जाए? देखिए, राहु एक छाया ग्रह है जिसकी अवधि 18 वर्ष है और ये जिस भी राशि में बैठते हैं उसी के ही गुण लेते हैं। सामान्यतः वैसे कन्या राशि का राहु अपनी स्वराशि में होता है और मीन राशि में जो केतु है वो अपने स्वराशि में होता है। इन राशियों में यदि ये त्रिखड़ा योग में पड़े हुए हों तो ऐसा व्यक्ति एक उच्च पद को प्राप्त करता है। सामान्यतः ऐसा भी देखा गया है, मैंने जो अपने जीवन काल में इसका निष्कर्ष निकाला है, कि लग्न में द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में, छठे भाव में, बारहवें भाव में जिन लोगों के स्ट्रांग राहु होता है, केतु होते हैं, वो लोग एक उच्च पदस्थ होते हैं और वे एक सर्वोच्च पद जो है ना प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन चूंकि राहु का अपना एक स्वभाव है तो इसमें एक तो जब इनकी दशा आती है तो आदमी का स्थानांतर होता रहता है। अच्छा, परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता रहता है। इसके साथ साथ उनको थोड़ा पेट की प्रॉब्लम भी होती है और उसमें सामाजिक तौर पर कभी कभी उन ऐसे लोगों का अपमान भी देखा गया है। यानी कुल मिलाकर के एक राक्षसी ग्रह होने के नाते इसकी दशा में ये तो होता है सामान्यता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपको जो है ना चौराहे पर ला करके भी अच्छी स्थिति में तो आपको सर्वोच्च पद पर भी पहुंचा देगा। राहु की अगर इस अच्छी स्थिति आपके राशि में पड़ जाती है, हाँ, और तो कहीं ना कहीं आपकी तरक्की के आसार भी, हाँ, बन जाते हैं, यानी कि जो बाधाएं हैं वो कहीं ना कहीं पार हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, शनि की जो दशा हो जाती है, शनि की जो ढैया बोलते हैं, साढ़े सत्ती बोलते हैं,
तो उनका कैसे निवारण किया जाए? जैसे किसी राशि में शनि की जो छाया है साढ़े सत्ती की पड़ गई तो बचता है कि साढ़े सात साल तक उसके ग्रह के उसके साथ इस तरह से होता रहेगा, ये कैसे, ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए शनि के बारे में, भैया के बारे में, हाँ, जो शनि का जहाँ तक है सनेहचर, सनेहचर ये, हाँ सनेहचर, अच्छा, अर्थात मंद गति से चलने वाला ग्रह है, अच्छा, सनेहचर, इसको इसलिए सनेहचर बोला जाता है। और ये एक राशि में ढाई साल तक जो है ना रहते हैं, अच्छा, तो आपकी राशि से पीछे वाली राशि में जब रहता है और आपकी राशि में और उससे आगे वाली राशि में, इस तरीके से ये ढाई ढाई वर्ष जो है ना पूरे करके साढ़े सात साल को पूरा करता है, अच्छा, जिससे कि हम लोग सामान्यता तुम्हारा जो है शनि की सरस्वती बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो राशि है जैसे ढाई ढाई साल करके बताया आपने कि साढ़े सात साल तक ये सिलसिला चलता रहता है, तो जिस राशि में शनि की सरस्वती होती है तो उन राशि वालों को क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या हानि पहुंचती है और क्या क्या फल मिलता है? पहली बात तो मैं लोगों से, अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि एक निर्णायक ग्रह है, आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल देगा। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है जिनको शनि की सारस्वती के अंदर बहुत लाभ हुआ है, अच्छा, अत्यंत लाभ हुआ है, यानी कि उनकी आकांक्षाओं से भी ज्यादा लाभ हुआ, अच्छा, जो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था उससे भी कहीं, हाँ, ज्यादा मिला है, ज्यादा उनको मिला है, ऐसा लोगों ने बताया और देखने में भी आया है। तो इसलिए शनि से मैं समझता हूँ कि आदमी को डरने की आवश्यकता नहीं है, शुभ कर्म करते रहे तो उसका जो है निराकरण अपने आप हो जाता है। अच्छा, डरने की आवश्यकता नहीं, कोई छोटा मोटा उपाय ऐसा हो जो दर्शक कर सके घर में सरल तरीके से? सबसे अच्छा तो यह है कि आदमी को इसमें पीपल के वृक्ष के पास जाकर के पीपल के वृक्ष को जो है ना जल चढ़ाना चाहिए, ना कि वहां पर धूप बत्ती और दीपक जलाए, ना उस पर तेल चढ़ाए, उसके नीचे जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर वहां पर बैठे, और जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिसका आप अपना इष्ट मानते हैं, उसका वहां बैठ करके उन्हें स्मरण कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। जैसे कि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं पीपल के पेड़ में जैसे बताया कि वहां पर कुछ देर जल चढ़ाने के बाद पंडित जी ने बताया वहां कुछ देर बैठे तो कहीं उसे कहते हैं कि ओजोन, ओजोन प्राप्त होता है, जैसे सुबह की सैर करने से आप अपने जीवन के अंदर ओजोन प्राप्त करते हैं और पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करते हैं। पंडित जी एक सवाल मेरा आपसे और है, जिन बालिकाओं के विवाह में दिक्कत आ रही है उनके लिए क्या किया जाए? विवाह के बारे में हमारे ज्योतिष के अंदर सप्तम भाव को प्रधान माना गया है, यदि सप्तम भाव क्रूर ग्रहों से दृष्ट होगा तो वो सप्तम भाव पीड़ित माना जाता, और ऐसा सामान्यतया बच्चों का विवाह जो है वह देर में होता है, उसके लिए वो 30-60 साल की आयु को भी पार कर जाते हैं, और यदि अधिक क्रूर ग्रहों से पीड़ित होगा तो 35-40 साल तक जो है ना देखा गया है। इसके साथ ही पंचम भाव भी, यदि आदमी का पीड़ित है तो उसका विवाह भी देर में होता है, क्योंकि पंचम भाव से हम संतान पक्ष को भी देखते हैं, तो यदि पंचम भाव हमारा पीड़ित है तो मैं संतान तभी तो प्राप्त होगी जब विवाह होगा, तो यदि तुम्हारा पंचम भाव हमारा पीड़ित है तो ऐसे व्यक्तियों का भी विवाह देर में होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने उनके लिए कर्मकांड के अंदर ही व्यवस्था बनाई है कि वे जो है ना तुम्हारा विष्णु प्रतिमा के साथ विवाह कर लें, घट विवाह इत्यादि जो है, अर्घ विवाह का है, हाँ, उसके जो है ना कर सकते हैं, और उससे जो है ना वो जो बाधा पार हो, हाँ, उस बाधा से वो निकल जाते हैं और वो जो है उनका सुगमता को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये कैसे पता लगाया जाए कि किसी की राशि के अंदर राहु की दशा है, छाया है? वो तो हमारे महर्षि पारसर ने जो है ना तुम्हारा एक वो श्रृंखला बना रखी है, जिसमें जो है पहले सूर्य की दशा आरंभ होती है, फिर चंद्रमा की आती है, फिर मंगल की आती है, और इसके बाद डायरेक्ट राहु की दशा आ जाती है। इनकी अपनी अपनी अवधियां हैं, जैसे सूर्य की 6 वर्ष है, चंद्रमा की 10 है, मंगल की 7 है, राहु की 18 है, इसके बाद फिर बृहस्पति शुरू होता है 16 वर्ष के लिए, फिर शनि होता है 19 साल के लिए, फिर बुध आता है, इस तरह इनका पूरा एक कैलकुलेट 120 वर्ष का है। इसलिए उसके जिस नक्षत्र में जब बच्चा पैदा होता है तो उस नक्षत्र के हिसाब से उसको दशा प्रारंभ होती है। जी, जैसे कि दर्शकों आपको बता दें कि जो सनातन धर्म है कहीं ना कहीं जो चीज़ें जैसे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए, ये सनातन धर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिफिक हैं, और आप अगर उसको सही तरीके से करते हैं तो पंडित जी ने बहुत ही सरलता से सारे सवालों का जवाब जिस तरह से दिया है, आपके सामने जो रखी हैं बातें, कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा फलदायी होंगी, और इस एपिसोड के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ समाचार इंडिया में। आप सभी का धन्यवाद।